योगी सरकार बिजली चोरी रोकने और बिल का वक्त पर भुगतान करने के लिए कई कदम उठा रही है। मुरादाबाद में बकायेदारों पर कार्रवाई में बिजली विभाग काफी फुर्ती दिखाता रहा है। जनता के कनेक्शन झट से काट दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला सरकारी विभागों का आता है, बिजली विभाग की रफ्तार कछुए की चाल से भी धीमी हो जाती है। मेरठ मुख्यालय से 48 बकायेदारों की सूची मुरादाबाद के बिजली विभाग को सौंपी गई है, जिनसे 32 लाख रुपए रिकवरी करने को कहा गया है। कुल जो है हमारे डिवीजन में मेरठ मुख्यालय से हमें 48 बकायेदारों की सूची दी गई है, तो उसमें हमारे जैसे ये जिला चिकित्सालय और हमारा अंबेडकर अकादमी, जो बड़े बड़े सरकारी वो कनेक्शन है, तो उनके कनेक्शनों पर तो हम लोग जो है खाली उनको नोटिस देकर और उनसे डिमांड उन्होंने लखनऊ भेजी हुई है अपनी पैसा मंगाने के लिए, तो उसी को एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दे रहे हैं। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपको हैरान कर देंगे। मेरठ मुख्यालय से भेजी गई लिस्ट में एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों और अधिकारियों के सरकारी आवासों पर बिजली बकाया भुगतान बताया जा रहा है। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी, मुरादाबाद पुलिस लाइन भी शामिल है, जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। 30 कनेक्शन हमारे ऐसे हैं जो सरकारी आवास हैं, तो उन आवासों में अधिकांशतः अधिकारी अपने समय का ही पैसा देते हैं करंट बिल, और पूर्व का हमारा पैसा जो है वो अभी ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आज हम लोगों ने सभी आवासों पर जाकर एक नोटिस सर्व किया है जो भी वहाँ पर रह रहे हैं अधिकारीगण, और उन लोगों से ये अनुरोध किया है कि इससे पूर्व इन आवासों में जो भी अधिकारीगण रहे हैं उनका वर्तमान का पता दे दिया जाए, ताकि हम उनसे अपने उनके संबंधित अवधि का पैसा वसूल कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस एकेडमी से लेकर गन्ना विभाग और स्वास्थ्य विभाग तक बिजली का बिल चुकाए बिना ही मुफ्त की बिजली से अपने आशियाने और कार्यालय रोशन किए हुए हैं। लेकिन जनता पर बकाया होने पर कनेक्शन काटने को तैयार रहने वाला बिजली विभाग फिलहाल वसूली करने की जगह निवेदन का रास्ता अपनाए हुए है, क्योंकि मामला सरकारी कार्यालयों का है। सागर रस्तोगी, मुरादाबाद, जनमन टीवी।